अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरके 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क कशिंग की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं 17 अक्टूबर थर्सडे जुमेरात का दिन है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरे ऑफिस पर जो फलकनुमा पर आंटी रहती है, दो दिन पहले मैंने इनका वीडियो बताया था कि फलकनुमा पर एक बेवा आंटी रहती है जिनकी एक बेटी है, सिर्फ उनको बेटे नहीं है, बेटी की भी शादी हो चुकी है। और आंटी बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत तकलीफ में थी, घुटनों के दर्द से बीपी शुगर था, आंटी बहुत बीमार थी, तो इनकी दवाइयों का इंतजाम करना था और इनके लिए राशन की जरूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आंटी के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये 2000 रुपए के राशन का इंतजाम हो चुका है। चावल का 25 रुपए थैला, आटा है, मीठा तेल है, प्याज, मिर्ची, हल्दी, दाल, इमली वगैरह तमाम किराने के आइटम्स भी यहाँ पर मौजूद है। 2000 का राशन और ये 4000 रुपए की दवाइयाँ आप देख सकते हैं, पूरे महीने भर की 4000 रुपए की इनकी पूरी दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद है, कम्प्लीट इनकी पूरी दवाइयाँ हैं। और साथ ही में मैंने ये 500 रुपए की मदद भी दे रही हूँ। टोटल इस आंटी को 7000 रुपए की खिदमत रकम बच्चों की तरफ से मदद दी गई है। और बस मैं ये चाहूंगी कि आप लोग चाहे तो ऐसे कई सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। पहले भी आंटी को जब मैं वीडियो बनाने के लिए घर पर गई थी इनका, उस दिन भी मैं इनको मदद देकर आई थी 500 रुपए की, और ये 500 रुपए टोटल इस आंटी को 7000 रुपए की खिदमत रकम बच्चों की तरफ से मदद दी गई है। और बस मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी चाहे तो ऐसे कई सारे मुस्तहिक बेवा औरतों के लिए, मजबूर लोगों के लिए चावल के थैले या फिर आटे के पैकेट्स वगैरह भी दे सकते हैं जो इनके काम आ सकते हैं, और बराबर इनकी आपको दुआ लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास मैडम आए थी नाहिदा मैडम, मेरे घर के सब देख के करे, उसके बाद मेरी मदद करे, जुमला आकर मेरे को 7000 की मदद करे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मदद करे, आपकी भी अल्लाह जो है मदद करे, आपकी हर परेशानी दूर करे। हमारे मैडम बहुत अच्छे हैं, मेरे घर पर आके मेरी पूरी परेशानी दूर, मेरी मदद करे, अल्लाह को अच्छा रखे, अल्लाह की हर परेशानी दूर करे, अल्लाह सहायता अदा करे। मैं आप लोगों के हक में यही दुआ करूंगी कि आप लोगों को सबको सहायता अदा करे अल्लाह ताला। मैं आपके हक में यही दुआ करूंगी हमेशा की, बेशक इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जो भी इनके लिए जो मदद करे हैं अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल आसान करे, उनका जो मकसद है अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाब करे। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।